अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जी, आज की वीडियो में हम बनाएंगे बिरयानी और करेंगे कुछ गिफ्ट्स अनबॉक्सिंग। लेकिन सबसे पहले एक रिमाइंडर है कि ट्राई टू सी पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ एंड बी पॉजिटिव। इंसान को अपनी ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और लोगों के अंदर भी हमें पॉजिटिविटी देखनी चाहिए, ताकि जो इतना मैस होता है ना हमारे दिमाग में उनकी पर्सनालिटीज़ को लेके, वो ज़रा कम हो सके और हम अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकें। ठीक है, तो चलते हैं गिफ्ट अनबॉक्सिंग की तरफ। आपने देख ही लिया है, पहले एक एयरपोर्ट की अनबॉक्सिंग है एंड दैट इज़ वेरी गुड। हमारे कुछ गेस्ट आए थे दुबई से एंड दे ब्रॉट मी अ परफ्यूम एंड एयरपोर्ट्स। ऐसे मेहमान बार बार आने चाहिए। किडिंग, ओके। एंड दिस परफ्यूम वाज रियली गुड। लेकिन इसकी अनबॉक्सिंग करने में, लाइक इसको मतलब पैकिंग खोलने में, इसके इतना था, पता नहीं, मतलब अंदर इतनी ज़्यादा पैकेजिंग थी। और इसके बाद जब मैंने इसको ओपन किया, इट वाज रियली वर्थ इट। मतलब कि इतना मज़े का परफ्यूम था ये। अगर कोई मतलब दुबई रहता है या फिर वहाँ से उनके कोई गेस्ट पूछते हैं कि कुछ लाना है, तो आराम से इस परफ्यूम का उनको ऑर्डर देते हैं। ट्रस्ट मी, यू वॉन्ट रिग्रेट। चलें जी, अब बिरयानी बनाते हैं। सबसे पहले जी, हमने एज़ यूजुअल अनियंस को ब्राउन करने के लिए रख देना है। उसके बाद हमने बहुत मेहनत वाला काम करना है, क्योंकि हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट जो एक हमारा बना हुआ फ्रिज में पड़ा होता है, वो ख़त्म हो चुका था। फिर हमें बहुत मेहनत करके जी इसको पील करना है गार्लिक को, और उसके बाद हमें इसका एक पेस्ट भी बनाना है। तो आप इसको चॉप भी करके डाल सकते हैं, बट चॉपिंग आई डू नॉट प्रेफर इन बिरयानी और पुलाव, बिकॉज अगर वो मुँह में आता है तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। इसलिए अब हम यहाँ पे इसको छील रहे हैं। मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता, और भी मुझे आप लोग बताएं आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं लगता। लेकिन कभी कभी ना ये थेरेप्यूटिक होता है, मतलब कि मज़ा आ रहा होता है। सो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, बट स्टिल मुझे करना था। सो हियर आई एम। उसके साथ साथ जी, मैंने जो प्याज रखे हुए थे, मैंने कहा उनको भी एक नज़र देख लूँ, पता लगे सारी मेहनत बेकार हो जाए। उसके बाद जी, हमने यहाँ पे टमेटोज़ लिए हैं, मैं इनको चॉप कर रही हूँ। इनको ना बारीक बारीक चॉप करना बेहतर रहता है, क्योंकि वो फिर जल्दी जो है ना वो गल जाते हैं। तो क्योंकि इसके बाद हमें दही भी ऐड करना होता है, तो अगर वो मोटे मोटे हो ना तो वो वैसे भी अच्छे नहीं लगते हैं, और जब बिरयानी बन जाती है ना तो उसके अंदर वो फिर चिपक चिपक जाते हैं, लाइक उसके चावल ना मोटे अगर टमाटर काटें तो। तो यहाँ पर एक टिप है, नॉट इट डाउन। यहाँ से क्लिप को जो है वो मैंने काटना था, लेकिन वो कटा नहीं है, सो प्लीज़ बेयर विद मी अ मिनट। तो ये पूरा ही क्लिप ऐड हो गया चॉपिंग का, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। उसके बाद हम इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। इसमें दालचीनी है, लौंग है, इलायची है बड़ी वाली जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। उसके बाद मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी, और चिकन जो है वो मैंने धो के फ्रीज़ किया हुआ था, तो मैं इसको डीफ्रोस्ट होने के लिए रखा था, लेकिन ये मतलब ना खुला नहीं था इतना ज़्यादा, तो लेकिन फिर मैंने इसको ऐसे ही अंदर इसके ऐड कर दिया था, क्योंकि इसको जब भूनूंगी तो ये खुद ही जो है वो डीफ्रोस्ट हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर टमाटोज ऐड किए हैं, सम ग्रीन चिलीज, और इसको हमें 5 से 6 मिनट के लिए आपने पकाना है। देखें चिकन का कलर वाइट हो गया है, जब इसका कलर चेंज हो जाए तो आपने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देनी है। मैंने नमक, रेड चिली, क्रश्ड रेड चिली और बिरयानी मसाला इसके अंदर ऐड किया है। मैं यहाँ पे शान का बिरयानी मसाला यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी बिरयानी मसाला जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब ये अच्छे से भुन जाएगा, हमने इसके अंदर जो है वो दही ऐड कर देना, और साथ ही हमने चावल बॉयल करने के लिए पानी भी रख देना दूसरे चूल्हे पर। साथ ही मैंने सोचा इसका सैलड भी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर यह मसाला हो गया था, तो उसके बाद बारी आती है इसकी असम्बली की। असम्बली के लिए अगर आपने एक जिस पतीले में आपने राइस बॉईल किया आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद जो उसके ऊपर मसाला बनाया है उसके ऊपर ना ऑयल आ जाता है, तो आप वो वाला ऑयल यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, क्योंकि मैं बातें करना शुरू हो गई थी वो मेहमानों से ज़रा ना, तो चावल ना थोड़े मैंने बॉयल करके रखे थे, थोड़े से जुड़ गए, लेकिन मैंने उसके बाद इसको हैंडल कर लिया था, क्योंकि जब मैंने इसको असेंबल किया था तो मैंने थोड़ा सा खोल दिया था, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में। और एक तो स्टीम आ जाती है ना कैमरे पे बार बार, उसका बड़ा मसला हो जाता है। उसके बाद मैंने इसको असेंबल किया जल्दी जल्दी, और उसके ऊपर दोबारा चावल डालेंगे। चावल डालने के बाद उसके बाद आपने उसके ऊपर फूड कलर ऐड करना है, टमेटोज ऐड करने हैं, मिंट लीव्स ऐड करने हैं, और आपने लेमन भी ऐड कर देना।
उसके बाद जब आप इसे दम देना है 5 से 6 मिनट के बाद आपने इसे मिक्स कर लेना है। और ये देखें कितने मज़े के जो है ना चावल बन गए थे। उसके बाद हम लोग खाना खा रहे थे एंड दिस इज़ माई प्लेट। इस प्लेट में आप देख सकते हैं कि कितने टेस्टी और यमी लग रहे हैं सैलड के साथ। जस्ट ट्राई दिस आउट। और इसी के साथ यहाँ पे ये वीडियो एंड होती है। बट इसमें जो एक मैसेज है कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, उससे मेरा मतलब ये है कि हमें किसी की मतलब प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जो जैसा करता है हमें उसे वैसा करने देना चाहिए और हमें अपनी मर्जी करनी चाहिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, जो हमें याद रखिएगा, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।